अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप दोस्तों को हमारे चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के जो टॉपिक है वो OTS की वेबसाइट पर ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड का जो एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुआ है, इसके बारे में आप दोस्तों के साथ आज का एडवर्टाइजमेंट शेयर करने वाले हैं। तो आप सब ने आने वाले हजरात से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को वक्त पर मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी OTS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन किया हुआ है और इसमें आप नीचे आएंगे, ग्रेड 3 अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद आपने इसके जो लास्ट डेट है ये आप देख सकते हैं, ऑफिसर ग्रेड 3 और ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड प्रोजेक्ट हैं, इसमें जो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है इसकी जो लास्ट डेट है वो 23/10/2020 इसमें लास्ट डेट है। और आपने सिंपल यहाँ पर व्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपने एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के लिए व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने इन दोनों को ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, कैरियर अपॉर्चुनिटी एज ऑफिसर ग्रेड 3। ये तो कंपनी के बारे में डिटेल है, यहाँ पर जो पोस्टें हैं ग्रेड 3 की जो वैकेंसियाँ हैं वो 300 पोस्ट हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC recognized university, institute in business, commerce, accounts, finance, banking, agriculture, economics, IT, computer engineering, law, HR, management, public administration, discipline. Minimum age will be 26 year age on closing date to apply. 26 साल age requirements मांग रहा है। CGPA का जो category है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 GPA मांग रहा है 4 में। मार्क्स की कैटेगरी को यहाँ पर आप देख सकते 60% मांग रहा है और डुअल नेशनलिटी होल्डर इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपके पास दो नेशनलिटी यानी दो नेशनलिटी कार्ड है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन विद क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में है तो आप भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। TIDI आपको नहीं दिया जाएगा और इसको आप देख सकते हैं 50% आप टेस्टिंग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी विल बी पेड बाय द एप्लीकेशन। तो इसकी जो अप्लाई का तरीक़ाकार है मैं आपको अप्लाई की तरफ लेके आता हूँ। यहाँ पर आपने 23/10/2020 से पहले पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने अपना नाम, मोबाइल नंबर, CNIC नंबर, अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप RMB से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी ईमेल, जो आपकी ईमेल एड्रेस है यहाँ पर अपने ईमेल इंटर कर देना है। तो इसी तरीके से आपका जो अप्लाई का सेक्शन है यहाँ पर लॉगिन में पूरा हो जाता है। इसके बाद एक न्यू विंडो ओपन हो जाता है, तो आपने उसी के थ्रू अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल और एक्सपीरियंस एंटर करके इसको आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। पसंद आएगी तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को वक्त पर मिल सके। इसी के साथ दीजिए अपने भाई को इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।